हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। ठीक है, क्योंकि जो बीजगणित होता है आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि एक रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बीजगणित से क्या होते हैं आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं, और बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो इसी में क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, और कंफ्यूजन के कारण क्या होता है उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम एक सेशन को बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो जल्दी आज इस सेशन को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का ये सेशन हमारा। ठीक है, क्योंकि जो बीजगणित होता है सबसे पहले बीजगणित पढ़ने के लिए क्या होता है इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं स्टडी करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये याद कैसे होते हैं, जब हम क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते जाएंगे वो सारे फार्मूले क्या होंगे वो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन फार्मूलों को यहाँ पे देख लेंगे जो हमारा क्या होता है एक बेसिक होता है, जो बेसिक से हमने बहुत सारे 6 में 7 में 8 में हमें क्या हुआ उस फार्मूले को बहुत ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्या होता है नहीं पढ़ पाते हैं, ध्यान नहीं है उनको या फिर भूल गए हैं, उनके लिए मैं सारा फार्मूला क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहला आपका बीजगणित में लगने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो क्या है आपका, वो है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है मेरे भाई वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab, क्योंकि मैं जितने फार्मूले आपको बता रहा हूँ बस वो सारे फार्मूले अगर आपने रटे हुए हैं आपने याद किए हुए हैं तो आपको सारी की सारी बीजगणित में क्या होगा कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है, बस आप देखते रहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका फार्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab होगा। ठीक है, क्या होगा माइनस 2ab होगा। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि ये जो प्लस था जिसमें सभी प्लस हो जाएंगे, और जब यहाँ पे माइनस हुआ तो क्या हुआ ये पहला प्लस रहेगा लेकिन ये वाला क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर क्या होगा तीसरा जो होगा आपका वो क्या होगा। अगर जरा एक बात बताइए, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर आपको दिया हो, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। बात समझ में आई। अब वैसे देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आपको चौथा फार्मूला एक और है आपका कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का अगर आपको होल स्क्वायर दिया है इसका हो जाता है 4ab। ठीक है, कितना होगा ये हो जाएगा आपका 4ab। क्योंकि देखिए क्या है ना, ये जो दोनों फार्मूले हैं ये इन्हीं से मिलके बनते हैं, इन्हीं से मिलके बनते हैं। लेकिन क्या है ना, मैं थोड़ा इन फार्मूलों को मैंने इसलिए लिख दिया है, इसको फार्मूला बना के मैंने इसलिए लिख दिया ना मेरे भाई कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपको डायरेक्ट इतना याद होगा और क्या होगा कि बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे ये तुरंत रख देंगे ये चीज। ठीक है, वैसे इनका मान आपको याद होगा तुरंत रख देंगे, ये दोनों एक ही चीज है, बस है क्या यहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, प्लस होने के कारण क्या हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस होने के कारण क्या हो गया यहाँ पे टू ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब वो यहाँ पे वही चीज है, बस हमने प्लस जब क्या कर दिया माइनस कर दिया है, और इस माइनस होने के कारण क्या हो गया ना ये जो आपका यहाँ पे इसका 4ab आ रहा है। बात समझ में आई ना, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, आप भी प्रूफ कर सकते हैं कैसे, जरा देखिए देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, या फिर आप इसको याद भी कर सकते हैं, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे, इसको अगर आप तोड़िएगा ना, मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको आप तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस है यहाँ पे पहले से ही, इसको जब आप तोड़ेंगे ना ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। होगा कि नहीं होगा जरा बताइए आप। और ये मैंने कहाँ से किया है, यही से मैंने किया है, यही से किया ना, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर का ये सारा फार्मूला है, a माइनस बी का ये फार्मूला है। ठीक है, बाकी ये जो प्लस था वहाँ का ये प्लस है। ठीक है, बस अब देखिए ये माइनस 2ab प्लस 2ab कटा ना, यहाँ पे 2a है 2b है, एक यहाँ पे a है एक यहाँ पे a स्क्वायर है ना, तो 2a स्क्वायर हो गया ना, तो लिखेगा आप 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा दो दोनों में है तो कॉमन कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया कि नहीं आया। तो हमने किया क्या, इसी फार्मूले को अगर हमने डायरेक्ट इतना लिख लिया तो इतना प्रोसेस करने से हम क्या होगा बच जाएंगे ना, हमारा कुछ तो समय बचेगा ना, क्योंकि जो आपके इस समय का जो एग्जाम है सारा जो भी एग्जाम है वो आपके समय पे डिपेंड है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं
जिनको सारे के सारे प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। अगर क्या होता है ना कि अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेज है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और एक ऐसा छात्र है जो सारे क्वेश्चंस कर सकता है लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है आपकी तुलना में, तो क्या होगा, वो आपसे थोड़ा सा परीक्षा क्वालिफाई करने में वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ अपने आपके टाइम जो मैनेजमेंट है आपका वो चीज रखिए। वो कैसे होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट अगर आप हल करेंगे तो उस चीज से सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आपका इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो इसको कैसे प्रूफ करिएगा। ये यहाँ पे दिया है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आपका, डायरेक्ट तोड़िए ना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू ए बी। बात समझ में आएगी नहीं आई, यहाँ पे माइनस है ना, इसको जरा अभी ब्रैकेट में रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस होता तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट में आप रखिएगा इसको। जब तोड़िएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, टू ए बी होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से, जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के हटाते ही। तो जरा देखिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया ना, बचा क्या, प्लस दो ए बी प्लस दो ए बी जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, चार ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पे आ गया, प्रूफ कर दिया ना। तो इतना सारा प्रोसेस करने से हम क्या हुए, बच गए, बस इस छोटे चीज को याद कर लिया। तो ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं याद करने के लिए, बस आप इसको यहाँ पे रट जाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं जरा अगला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला जो आपका आता है इसमें होता है क्या, पांचवा नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा इसको हम लिखते कैसे हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी। ठीक है, मैंने बताया था आपको, मैं बेसिक चीजें बता के ले चलूंगा। ठीक है, बेसिक से मैं जब आपको मैं ले चलूंगा तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए आप इन सारे फार्मूलों को एक बार जरूर रखिएगा, जरूर लिख के रखिएगा। ठीक है, आप एक पेपर पेन लेके बैठिएगा और इन सारे फार्मूलों को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्या है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। अब क्या होता है, अब इसमें एक और फार्मूला होता है छह नंबर की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सारा स्क्वायर का ही चल रहा है फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। बात समझ में आई कि नहीं आई, बस ये चीज आपको क्या करना है, तुरंत ये स्क्वायर ग्रुप में जितने फार्मूले हैं, इससे भी कोई फार्मूला आपको नहीं मिलेगा स्क्वायर ग्रुप में, ये सारे क्या है आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना ये क्यू वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये तीन घात वाला सारे फार्मूलों को देख लेते हैं। जरा देखिए यहाँ पे, अगर आपको दिया गया है कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, ये छह था इसको सात मानिएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू है, अगर हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। बात समझ आई कि नहीं आई, बस a प्लस बी का होल क्यू का जो फार्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, ज्यादा कुछ नहीं करना है बस। देखिए यहाँ पे, और जो आठवां नंबर फार्मूला है वो क्या है आपका, a माइनस बी का होल क्यू, यानी कि आप कह सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस आपको करना क्या है, ये जो आपका प्लस था, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यू में सारा प्लस था आपका, वही मान तो वही है सारे, लेकिन a माइनस बी में जो चिन्ह है आपका ना, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाए, सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए अब आगे नौवां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन जो है, सॉरी नाइन्थ आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिएगा यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इसका क्या होगा आपका, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, ए माइनस बी ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात समझ में आई ना, ये चीज आप इसको लिखेंगे। ठीक है, और हमेशा इसको इम्पोर्टेंट लिख के चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 10 नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ फार्मूला, ये इतना इम्पोर्टेंट है मेरे भाई कि बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए क्या, अगर हम क्या होता है ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो फार्मूला होता है, ये तो ए प्लस बी होता ही एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और मैंने यहाँ पे जो रिस्ट ले दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र होते हैं मेरे भाई, वो यहाँ पे इसको प्लस लेके चल देते हैं और क्या होता है, उनका आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, उनका आंसर गलत आ जाता है,
क्योंकि वो इस पे क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, कह रहे यार इसमें तो क्या होता है, ये एक ए माइनस बी होता है, बाकी ए प्लस बी ही होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। इसलिए यही गलती जो होती है हमारे एग्जाम के अंदर, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां जो होती है हमारे मार्क्स को जो है वो काट देती है, ठीक है। एक तो अपना क्वेश्चन आप ले ही जाओगे, जो गलत है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो आपने सही भी किया है ना उसमें से भी चला जाता है नंबर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चौकन्ना होकर आपके एग्जाम में सारी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब जो मैं आपको अगला एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो इतना बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या है, 11 नंबर जो फार्मूला है आपका मेरे भाई, देखिए यहाँ पे जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या होता है, तो होता है कि ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू, ठीक है, आप देख चुकी क्या था, इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, माइनस सी ए, बस यही होगा। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी इंटू दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपने इतने सारे, अगर जो आपके 11 जो फार्मूले हैं अगर आपने याद कर लिया, अगर आपको अच्छी तरह से रट गया है, आपको बीजगणित जो है मतलब कि जानने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बीजगणित का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हल ना कर सको। तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं कुछ आगे हमारा जो इसमें नियम है, कुछ आवश्यक जो तथ्य हैं सारे, वो हम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको क्या करता हूँ, आप मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं यहाँ पे ना, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, उसको देखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हमारे, ठीक है, जो भी आपके इस बीजगणित में लगने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे पहला आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए, अगर यदि, ठीक है ना, यदि x पे n माइनस a पे n है तो क्या होगा, अगर x पे n माइनस a पे n है तो एक ऐसी संख्या, यानी कि x माइनस a जो होगा इसे क्या करेगा, सदैव क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। यानी अगर x पे n माइनस a पे n है तो क्या करेगा कि जो x एक क्या है ना, यहाँ पे ये सदैव जो होगा आपका, सदैव क्या होगा, x माइनस a से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना। जब ये विभाजित होगा मेरे भाई, तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे जब ये विभाजित होगा तो कैसे विभाजित होगा, कैसे मान लें कि विभाजित होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी अगर x पे n है और a माइनस a पे n है, वो हमेशा क्या होगा कि x माइनस a से विभाजित होगा। लेकिन इस चीज को हमें प्रूफ जरूर करना होगा ना कि आखिर ये कैसे विभाजित होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अगर आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये दिया गया है अगर आपका कि 4 की घात दिया गया 3, ठीक है ना, 4 की घात आपको 3 दिया गया है, और माइनस यहाँ पे दिया गया है 5 की घात 3, ठीक है ना, 5 की घात 3 दिया गया है, बात समझ आ रही है ना। या फिर इसको थोड़ा बड़ा नहीं रखेंगे, इसको छोटा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो होता है ना छोटे वाले को बाद में रखते हैं ना, यहाँ पे आप ले लीजिए 3 की घात 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने 4 की घात 3 ले लिया और माइनस 3 की घात 3 ले लिया, जरा एक आप बात बताइए, यहाँ पे जो आपका एक्स माइनस ए है, अगर विभाजित करेगा इसे, अगर विभाजित करेगा तो क्या होगा कि एक्स माइनस ए बराबर 0, क्योंकि कह रहा है ना विभाजित होगा, विभाजित होगा, हम चलिए मान लीजिए हमने क्या किया, जब विभाजित होगा इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, और जब 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, जब माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस से हो जाएगा, और x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, जब भी प्लस से रखेंगे क्या होगा, उसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये 4 माइनस 3 है, ठीक है ना, 4 माइनस 3 है x, और इसके जगह पे a के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 3 रखेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर क्या हो रहा है कि x माइनस a से अगर विभाजित हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि इधर लेके जाएंगे, बस x की जो वैल्यू है a है, यहाँ पे ले जाकर रखेंगे जरा, जब एक यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, यानी कि a की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे जब a रख देंगे आप, क्योंकि क्या है x बराबर a निकला है ना, तो x की जो वैल्यू होगी a के बराबर होगी, a के बराबर जब रखेंगे तो a के घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्या है कि घात n है, तो प्लस घात और माइनस घात क्या होगी, कट जाएगी, ये यानी प्लस a पे n माइनस a पे n कटेगा, क्या आएगा, 0 आएगा ना। यानी पूरी तरह उसको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
ठीक है, यानी तब हम कह सकते हैं, हमने प्रूफ भी कर दिया कि जो x के घात n माइनस x के घात n सदैव क्या होगा कि x माइनस a से विभाजित होगा, विभाजित होगा। लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, जरा एक आप बात जान लीजिए। अगर आपको यह कहना होगा कि x के घात, यानी दूसरा नंबर देखेगा, यदि ठीक है ना, यदि अगर आपको दिया है x के घात n माइनस x के घात n, तो सदैव ठीक है ना, सदैव x प्लस a से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। लेकिन विभाजित होगा, लेकिन ये n का जो मान होना चाहिए वो सम होना चाहिए, ठीक है ना, ये विभाजित होगा लेकिन, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा कि n एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, सम संख्या होनी चाहिए। इस चीज को आप जरूर याद करिएगा, ठीक है ना, होनी चाहिए। जरा एक आप बात बताइए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सम संख्या होनी चाहिए, या फिर आपको ये कंडीशन क्यों दे रहा है कि सम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि x के घात n है माइनस a के घात n है, तो सदैव ये x प्लस a से विभाजित होगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है मेरे भाई कि जो n की जो संख्या है ना, जो n होना चाहिए वो एक सम संख्या होना चाहिए। अगर ये सम संख्या नहीं होती तब, अगर ये सम संख्या नहीं होती तो क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। लेकिन आप कैसे मान लें कि ऐसा ये होगा जब तक आप प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको भी प्रूफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये दिया गया आपका x के घात n, ठीक है, तो जरा हम मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पे तो नहीं पता चला कि n जो है सम है या विषम है, ठीक है। लेकिन जरा एक बात बताइए आप, अगर आपको दिया गया है जैसे कि मैंने पहले लिखा था चार के घात तीन माइनस तीन के घात तीन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे कहा जाए कि चार माइनस तीन क्या होंगे, चार माइनस तीन से ये विभाजित होगा, ठीक है, चार माइनस तीन से विभाजित होगा। तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई कि अगर x के घात क्या है आपका तीन है माइनस a के घात तीन है, क्या ये सम संख्या है, क्या n जो है आपका वो सम संख्या है, क्योंकि n के जगह पे हमने तीन ले लिया, n के जगह हमने तीन ले लिया, क्योंकि n भी तो एक संख्या ही मेरे भाई, मैंने तीन ले लिया, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, अगर ये विभाजित करता है, ठीक है ना, कि x प्लस a अगर इसको विभाजित करता है तो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा ना, जब जीरो के बराबर होता है x बराबर क्या होगा, माइनस a हो जाएगा। जब x बराबर माइनस a होगा, चलिए हम माइनस a का मान यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि x बराबर क्या होगा, माइनस a हो जाएगा, तो माइनस a का क्यूब और माइनस a का क्यूब। जब भी क्या होता है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, बीजगणित जब आप पढ़ ही रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, जब भी आपको क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या क्या हो, माइनस में हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या माइनस में हो और उसके ऊपर जो घात हो विषम हो, तो उस कंडीशन में ये माइनस माइनस रहेगा, ये हटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके घात के ऊपर अगर क्या हो, प्लस हो ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसका माइनस हट जाएगा, ठीक है, इसका माइनस क्या हुआ, हट जाएगा। क्योंकि ये क्यों मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे जिन्होंने मैथ स्टार्ट किया है पढ़ना, वो सोच रहे हैं कि मैथ मैं सीखना चाहता हूँ, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या माइनस में है उसके ऊपर अगर विषम संख्या घात दिया गया, ठीक है ना, विषम घात है अगर उसके ऊपर, वो माइनस हमेशा रहेगा। ये मैं प्रूफ करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये माइनस ए का एक घात क्यू का मतलब होता है तीन बार गुणा उसका, ठीक है ना, माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब इन दो का आप गुणा करेंगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा होके, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन एक माइनस तो आपका बच जाएगा ना, एक माइनस क्या होगा, पेयर तो नहीं बना पाएगा, इसलिए वो बच जाएगा, इसलिए हो जाएगा एक ए ए मिला के ए क्यू हो जाएगा, और ये माइनस ए क्यू ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है ना, माइनस ए क्यू ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्या होता, अगर इसके ऊपर कोई सम संख्या होती, सम संख्या का मतलब ये हो जाता कि जैसे मान लीजिए एक घात क्या होता आपका फोर हो जाता, ठीक है, तो चार क्या है, एक सम संख्या है, चार एक सम संख्या है, तो हम जब इसका चार बार गुणा करते ना, तो माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए, ये माइनस प्लस हो जाता, और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता कि नहीं हो जाता। और उसके बाद हम जब ए का लिखते तो लिखते ए के घात फोर, यानी कि माइनस इसका हट जाता, और कब हटता, जब वो एक सम संख्या होती, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन जरूर करके रखिएगा। चलिए देख लेते हैं जरा, ठीक है। अब जो चीज आपको यहाँ पे दी गई है ना, मैंने अभी बताया कि क्या है, इस माइनस एक
ब्रैकेट में अगर माइनस है उसके घात के क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है मेरे भाई, ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए का क्यू, और ये पहले से ही माइनस ए का क्यू है। तो जरा एक बात बताइए, ये माइनस ए का क्यू माइनस ए का क्यू मिलकर जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू ए का क्यू। ये कहाँ जीरो आया, कटा क्या, जीरो आया, ये जीरो नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि एन एक सम संख्या होनी चाहिए अगर ये विभाजित करता है तो। तो जरा एक बात, आप सम संख्या रख के देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, सम संख्या रख के देखिएगा, देखिए कैसे कट जाएगा तुरंत आपका। यहाँ पे देखिए जरा, अगर यही सम संख्या होती यानी कि आप इसको क्या कर लिया, छह मान लेते और इसको यहाँ पे एक घात छह मान लेते, ठीक है ना, यानी कि एन का हमने मान लिया छह मान लिया ना, यानी वो एक सम संख्या हो गई। अगर वो सम संख्या है तो क्या करते हैं, इसको विभाजित करते यानी कि जीरो होगा, एक्स बराबर क्या होगा इधर जाएगा तो ये माइनस ए होगा, यहाँ से मान निकालेंगे तो, और क्या होगा एक्स का मान अगर इसमें आप रखिएगा ना तो माइनस ए की घात क्या होगा छह हो जाएगा, और माइनस ए की घात छह हो जाएगा। बात समझाई ना, देखिए जरा यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया अगर अंदर माइनस है और घात उसका क्या है कि सम है, ये माइनस हट जाएगा आपका, ठीक है, जब माइनस हटेगा तो सिर्फ एक का घात छह हो जाएगा, माइनस एक घात छह हो जाएगा, और ये क्या होंगे, ये दोनों क्या है सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए क्या होंगे कटने के बाद ये आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है ना, घटने के बाद जीरो आएगा ना। जरा एक बात बताइए, ये प्रूफ हो गया कि नहीं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, ये तो इससे इससे विभाजित जरूर होगा क्योंकि एक्स एक्स पे एन माइनस ए पे एन सदैव इससे विभाजित होगा, लेकिन कंडीशन यही है कि एन का मान एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो सम संख्या होगी तो विभाजित हो जाएगा अन्यथा वो विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए दो कंडीशन हमने जान लिए, ठीक है, चलिए एक और दो और कंडीशन है वो भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ना यदि यदि x पे n प्लस a पर n, ठीक है ना, अगर दिया हो, यदि आपको ये दिया गया हो, ठीक है, तो सदैव, ठीक है, सदैव क्या होगा कि x प्लस a से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना, विभाजित होगा, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, लेकिन लेकिन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप लगाएंगे जब मेरे भाई, लेकिन जो होगा ना आपका वो क्या होना चाहिए कि n एक विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, विषम संख्या होनी चाहिए, बात समझ आ रही ना, होनी चाहिए। जरा एक आप बात बता दीजिए, आप जरा एक आप बात बताइए कि यदि क्या है आपका दिया गया है कि x पे n प्लस a पे n, तो सदैव क्या होगा ये x प्लस a से विभाजित तो होगा, लेकिन कंडीशन मेरे भाई ये है कि वो क्या होनी चाहिए, जो n है ना इसका जो घात है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे मानिएगा कि ऐसे विभाजित होगा, मानिएगा नहीं मानिएगा, ठीक है, उसके मानने के लिए हम करेंगे क्या, उस चीज को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे जरा एक बात बताइए। कह रहा है ना कि विषम संख्या होगी तभी कटेगी, अरे भाई सम पे क्यों नहीं कट रहे, जरा सम पे भी रख के देखते हैं हम। अगर मान लीजिए एक्स की घात क्या हो जाए चार हो जाए, माइनस ए की घात चार हो जाए, ठीक है ना, यानी ये सम संख्या जब आ गई, सम संख्या मेरे भाई जैसे ही आई वैसे ही क्या हो गया कि कह रहा है ना कि विभाजित हो रही है किस से, एक्स प्लस ए से, तो क्या होगा विभाजित हो रही है यानी कि एक्स प्लस ए बराबर जीरो, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा, इसको आप उधर लेगा माइनस ए, एक्स का मान जब यहाँ पे आप रखिएगा माइनस ए, जरा आप एक बात बताइए यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए के घात कितना हो जाएगा आपका, माइनस ए के घात हो जाएगा आपका चार, ठीक है, सॉरी ये तो प्लस था ना, इसको आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, बाई मिस्टेक था यहाँ पे। जब आपने क्या कर दिया एक्स का जो मान था आपका, ये क्या कर दिया यहाँ पे माइनस ए रख दिया, ठीक है ना, एक्स का मान आपने क्या किया माइनस ए रख दिया, तो क्या हो गया ये घात क्या है आपका सम है और प्लस ए पे फोर, सेम यही चीज है ना यहाँ पे, उसी तो हम प्रूफ कर रहे हैं ना। तो अब जरा एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है और उसका घात अगर क्या है सम संख्या है, वो माइनस क्या होता है, वो माइनस हट जाता है, जब माइनस हट जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा आपका ए पे फोर प्लस ए पे फोर बराबर क्या है, ए पे फोर और ए पे फोर दोनों प्लस में है ना, जुड़ जाएंगे तो टू ए पे फोर हो जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ कटा, कटा क्या ये विभाजित हुआ नहीं हुआ, तो विभाजित नहीं हुआ मेरे भाई, ये चीज तो सिद्ध हो ही गया ना कि अगर ये सम संख्या अगर n का मान एक सम संख्या होगा तो क्या होगा x प्लस a से ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन विभाजित कब होगा जब ये एक विषम संख्या होगी। चलिए विषम संख्या भी रख के देख लेते हैं, ठीक है, विषम संख्या भी रख के इसमें देखते हैं क्या होता है। जरा जब आप विषम संख्या रखेंगे ना यानी कि x की घात तीन प्लस a की घात तीन, ठीक है, हमने क्या किया n का मान हमने विषम कर दिया, ठीक है, जब विषम हो गया जरा एक बात बताइए कि जब x प्लस a इसको विभाजित करता है यानी कि जीरो होगा, विभाजित करता है जीरो होगा ना,
तब क्या होगा, एक्स बराबर जो हो जाएगा, ए जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए होगा ना, जब ये माइनस ए होगा मेरे भाई जरा आप एक काम कर लेना, इस एक्स के मान को ले जाकर यहाँ पे आप रखना, ये हो जाएगा ए का घात क्यू प्लस ए के घात क्यू। मैंने अभी आपको बताया जब भी कोई माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो अगर उसका घात अगर क्या है विषम संख्या है, ये माइनस माइनस रहेगा और ये ए क्यू ऐसे हो जाएगा और प्लस ये ए क्यू। माइनस और प्लस क्या होते हैं, आपस में घट जाएंगे, इसलिए क्या होंगे, ये जीरो हो जाएगा। बात समझाई, यानी यहाँ पे ये चीज तो प्रूफ हो गई कि सदैव क्या होगा एक्स प्लस ए से विभाजित होगा, लेकिन क्या हो यन एक विषम संख्या होनी चाहिए। ये हमने प्रूफ किया कि नहीं किया, तो क्या होगा जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें जोड़ लीजिएगा, एक चीज और आप जोड़िएगा, एक चौथा आप एक और जोड़ लीजिएगा मेरे भाई, कि यदि, ठीक है ना, यदि एक्स पे एन प्लस ए पे एन दिया है तो सदैव, ठीक है ना, या फिर सदैव छोड़िए यहाँ पे, तो कहिएगा कभी भी, ठीक है ना, कभी भी ये एक्स माइनस ए से विभाजित नहीं होगा, कभी भी एक्स माइनस ए से विभाजित, ठीक है ना, विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब क्यों नहीं होगा, ये भी आपके क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो जैसे आपने इन तीनों को प्रूफ किया है वैसे आप इसको भी प्रूफ करके एक बार देखिएगा ना जरा, ठीक है। कोई भी घात आप रखिएगा ना इसका, एक्स के घात एन प्लस एक के घात एन पे, वो एक्स माइनस ए से जीवन में विभाजित नहीं होगा। इस सारे कंडीशंस को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, बच्चा यहीं से फंस जाता है, विद्यार्थी यहीं से फंसता है, ठीक है ना। उसको आसान क्वेश्चन अगर बीजगणित से मिलेगा ना वो तुरंत कर देता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो भी क्या होता है इन सारी चीजों में ना वहाँ पे उलझन में फंस जाते हैं। उनको पता होती है ये चीज, लेकिन होता क्या है कि वो जल्दीबाजी के चक्कर में इस चीज को भूल जाते हैं और वहाँ पे आंसर जो है गलत ट्रिक करके आते हैं, ठीक है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और भी तथ्य इसके हैं देख लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या ये पूरा बेसिक क्लास है हमारा, और जैसे हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक लगेंगे हमारे, ठीक है। बस आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन लगा, ठीक है, जल्दी देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत ही बेसिक बनते हैं, बहुत ही अच्छे लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये जो बीजगणित का जो आपका जो बेसिक था वो मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि मैंने आपको संख्या पद्धति वगैरह में आपको मैंने पढ़ा रखी है, और सरलीकरण में भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। और बाकी जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस क्वेश्चन के माध्यम से क्या होगा सारी चीजें सीखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए, क्या है कि अगर आपको एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि रूट में टू का जो मान होता है वो होता है कितना, 1.414, ठीक है। और आपको दे कितना रखा है, आपको दिया है कि 1/√2 का मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है, तो आप कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है। आपको हल करने का तरीका क्या है, क्योंकि जो देखिए क्या जो बीजगणित है ना वो बहुत ही बेसिक से आपका क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक क्लास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बेसिक से ले चलूँ, ठीक है। क्योंकि बीजगणित का एक और सेक्शन इसमें जुड़ा हुआ होता है जो बहुपद वगैरह होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं उसको सोच रहा हूँ जब मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा उसमें मैं सारा बहुपद का जो भी सेशन होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चले, बीजगणित, शुद्ध बीजगणित चले, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं जरा, यहाँ पे आपका जो दे रखा है ना मेरे भाई, आपका जो यहाँ पे दे रखा है कि रूट में इसका मान निकालना है, ठीक है। जरा एक बात कहिए, अगर आपको इससे गुना करना होगा 1.414, बहुत लोग सोचते होंगे ना कि यहाँ पे जो रूट दो का मान है ना यहाँ पे रख के भाग कर देंगे एक में। मेरे भाई जरा एक बात कहिए, इस मान से एक में भाग करना क्या आसान है, आसान है क्या? इसमें बहुत टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि क्या होगी कि आपसे पुलिस का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, या फिर आप टेट वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें क्या करता है पूछ लेता है, ठीक है। देखिए जरा इसको हम कैसे करेंगे, अगर आपका रूट में दो दिया है ना बस आपको करना कुछ नहीं है, दो से ऊपर रूट में, दो से नीचे रूट में आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको नियम बता देता हूँ, जब भी आप सोचते हैं कि अगर मैं ऊपर गुणा कर रहा हूँ तो आपको उसी चीज से नीचे भी गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि ये जो 1/√2 है आपका, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं बराबर उसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बराबर रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, ठीक है। या फिर किसी समीकरण में अगर हम किसी चीज को घटा रहे हैं अपने मन से, हमें वही चीज जोड़नी भी पड़ती है, ठीक है ना, वही चीज हमें जोड़नी भी पड़ती है, क्योंकि वो चीज दिया नहीं है
वो हम अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है। इसी चीज में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो भाग करने के लिए दिया था क्या, नहीं दिया था ना, इसलिए मैंने ऊपर भी और नीचे भी क्या किया, गुणा कर लिया। अगर मैंने ऊपर गुणा किया है तो मैंने नीचे भी गुणा करूंगा, या फिर मैं नीचे गुणा कर रहा हूँ जिस चीज से, उसी चीज से मुझे ऊपर भी गुणा करना है, ठीक है। यानी कि अंश और हर दोनों में देखिए ना, यहाँ पे रूट में दो का जब गुणा होता है तो वो हो जाएगा दो, ठीक है ना, और ऊपर ये क्या होगा, रूट में दो हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। और रूट में दो का मान आपसे दे रखा है कितना, 1.414, और जब दो से आप भाग देंगे मेरे भाई, ये जो कटेगा जीरो हो जाएगा आपका, 0.707, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला प्रश्न अपना, ठीक है। चलिए आपने हल कर लिया होगा इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए जरा, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, क्योंकि क्या बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपको उठाऊंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 20 मिनट, ठीक है, घबराना नहीं है, और मैं आपका पूरा बेसिक्स ले जाकर के आपके हाई लेवल तक के एग्जाम में मैं क्या करूंगा, आपका ये सारा मैं 20 गणित का आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, कह रहा है ना, यदि 3+, ठीक है, यदि आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि 3+ रूट में 2 बटा में 3- रूट में 2 दिया गया है, और आपको कह रहा है ना, तो बराबर आपका दिया है कितना कि a+b रूट में क्या है आपका 2, रूट में 2 है ना, चलिए रूट में 2 हो तो क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसका मान आपसे a और b का मान आपसे पूछ रहा है कि a व b का मान, ठीक है, a और b का मान आपसे पूछ रहा है। जरा एक बात बताइए, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमसे a और b का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, a और b का जब मान पूछ रहा है, बस करना कुछ नहीं है, जरा इसमें बताइए, एक संयुग्मी का नियम होता है, ठीक है ना, एक संयुग्मी का नियम होता है, क्यों हम लगाते हैं, क्योंकि जब भी क्या होता है ना, हर के अंदर जब क्या होता है, करनी आ जाती है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है, तो उस परेशानी को क्या होता है ना, दूर करने के लिए हम संयुग्मी लगाते हैं। देखिए क्या, जैसे कि यहाँ पे 3+ रूट में 2 दिया गया है आपका, और बटा में 3- रूट में 2 है आपका, ठीक है, तो हम करते क्या है ना, कि इसको करनी हटाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, रूट में 2 है, ठीक है, रूट में 2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा कि पॉइंट में आपका मान आएगा, और जब पॉइंट में मान आएगा तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम करते क्या है इस कंडीशन में करते ये है, इसके विपरीत चिन्ह से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, विपरीत चिन्ह क्या होगा इसका, जो इसका विपरीत चिन्ह होगा वो हो जाएगा 3+ रूट में 2, बाकी की चीजें वही रहेंगी, सिर्फ चिन्ह उसका क्या होगा, विपरीत रहेगा, ठीक है। अगर हमने इसमें गुणा नीचे किया ना, हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है ना, आपको ऊपर भी इसी चीज से गुणा करना पड़ेगा जिस चीज से आपने नीचे गुणा किया है, बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखिए, मैंने अभी आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, यहाँ पे दोनों फार्मूले आपको लगने वाले हैं, ठीक है, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था मेरे भाई, यहाँ जरा देखिएगा कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a²+b²+2ab, और एक बताया था मैंने आपको a²-b² बराबर a-b एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में a+b, ये दोनों फार्मूले आपको यहाँ पे यूज होंगे, वो कैसे यूज होंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका बराबर कितना दिया गया था, a+b का ये रूट में 2, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ना, जब इस दोनों को आप जरा ध्यान से देखिए, आप अगर इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो आप 3 को a माने हैं, यहाँ भी 3 को आपको a मानना पड़ेगा और यहाँ भी b मानना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, एक कोष्ट में a-b और दूसरे कोष्ट में a+b, और दोनों का गुणा है, यहाँ भी दोनों का गुणा है, फार्मूला क्या बना, a²-b², ठीक है, और ऊपर क्या हो गया आपका, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो क्या होगा, उनका घात हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर x गुणे x करेंगे तो क्या होता है, इसका भी घात एक मानते हैं, इसका भी घात एक मानते हैं, तो आधार बराबर होता है, घातो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि x² हो जाएगा, बात समझ आई ना, जब भी आपका आधार बराबर होता है हम घातों को करते क्या है कि जोड़ देते हैं, ठीक है, वही काम यहाँ पे होगा, इसको अगर ये भी x है, मानिए ये भी x है, ठीक है, इसका कुछ नहीं घात, तो एक घात होता है और गुणा में है, आधार बराबर है तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 3+√2² और बटा में इसको आप लिख सकते हैं 1²-b², ठीक है ना, b², किससे मैंने लिखा, इस वाले फार्मूले से लिखा, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था, और बराबर क्या था आपका, a+b√2 था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप तोड़ दीजिएगा a+b के होल स्क्वायर पे, यानी कि ये हो जाएगा आपका कि a² यानी कि 9 हो जाएगा, 3² 9 होगा, और प्लस √2². एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी रूट के अंदर कोई संख्या हो मेरे भाई, जिस मान लिया x है, ठीक है,
अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं ये निकल के क्या होगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना आपसे, मैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते जाऊंगा, उस जो भी चीजें आपकी छूटी हुई हैं, उन सारे चीज को मैं कवर करते चलूंगा, क्वेश्चन भी कवर होगा आपका और ये सारे पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैसे क्या होगा, जब रूट में दो का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे दो हो जाएगा और प्लस टू ए बी, टू ए बी का मतलब क्या होगा, दो गुड़े टू, यहाँ पे टू जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, ए का मतलब तीन है, बी की जगह क्या है आपका रूट में दो है, और बटा में क्या हो जाएगा आपका तीन का स्क्वायर नौ माइनस यह रूट में दो का स्क्वायर दो हो जाएगा और बराबर ए प्लस बी रूट में दो। बात समझाई ना, चाहे एक स्टेप और चलिएगा, यहाँ पे नौ दो कितना हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा। ठीक है, ग्यारह हो गया और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका छह रूट में दो और बटा में क्या हो जाएगा आपका सात हो जाएगा बराबर ए प्लस बी रूट में दो हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक लाइन और आना है और आपका मान क्या होगा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे ये जो सात होगा, ऊपर जो दो पद आपको दिए गए हैं, इन दोनों का बटा है ना, ये इन दोनों का बटा है, जरा हम इनको अलग अलग कर लेंगे कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। देखिए कैसे, जरा इसको जब इसके साथ करेंगे ना तो ग्यारह बटा में सात हो जाएगा, प्लस तो प्लस ही चिन्ह रहेगा और ये हो जाएगा छह रूट में दो बटा में सात। फिर अगर आप चाहेंगे तो नीचे क्या है, हर बराबर है तो हर एलसीएम लेके ऊपर क्या कर घातों को जोड़ देंगे, बात वही हो जाएगी। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूट में दो है इसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, रूट में दो। ठीक है, तो ये गुणा ही हो रहा है, फिर ऊपर ही जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे बराबर में क्या था आपके, ए प्लस बी रूट में दो। बात समझ आई ना, देखिए हो क्या गया, जब हम ए बी का मान निकालेंगे ना, यहाँ देखिए जरा, यहाँ जो ए था, ए का मान कुछ ये निकल के आया। ठीक है, और जो रूट के दो के सामने आपका क्या था, जो गुणांक था उसका मान ही आपका ये निकल के आया, यानी कि आपने तुलना कर दिया, आपने तुलना कर दिया तो क्या हो गया, जो a बराबर हुआ वो हो गया 11 बटा में 7 और जो b बराबर हुआ, b बराबर क्या निकला आपका 6 बटा में 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज बताई है, बेसिक बताई है पूरा, इसलिए थोड़ा एक दो लाइन इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो आप इसका क्या करेगा, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने आपको समझाया था सिर्फ। ठीक है, और ये आपका फार्मूला है, क्वेश्चन सिर्फ आपका यहाँ से यहाँ तक और ये लास्ट में ये मैंने आपका अंडरलाइन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए आइए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, देखिए जरा, देखिए यहाँ पे अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो रूट में थ्री माइनस वन बटा में रूट में थ्री प्लस वन बराबर आपको दिया गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी है और आपका रूट में थ्री है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ना कि ए व बी का मान, ठीक है ना, ए व बी का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है ना, ए व बी का मान ज्ञात करना है। देखिए करेंगे कैसे इसको, हम करने का तरीका बस वही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, और पिछले क्वेश्चन की भांति हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे कह रहा है ना कि रूट में थ्री माइनस वन बटा में रूट में थ्री प्लस वन दिया गया है, तो हम करेंगे क्या कि क्या नीचे से रूट हटाने के लिए संयुग्मी का गुणा करेंगे, और जो गुणा करेंगे हम वो क्या गुणा करेंगे, इस चिन्ह के विपरीत चिन्ह से हम गुणा करेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, यानी कि रूट में थ्री माइनस वन से हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, बाकी रूट में थ्री, यहाँ भी रूट में थ्री, ये वन यहाँ भी वन, लेकिन बस चिन्ह हमने बदला है। ठीक है, वो हम बदलते इसलिए हैं क्योंकि जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी फार्मूले पे सारे हल हो जाते हैं। ठीक है, और गुड़े इसी चीज से हम क्या करें, क्योंकि हमने ये अपने से किया, ये क्वेश्चन नहीं दिया था। ठीक है, हमने इसे अपने से माना है, इसलिए हम क्या करेंगे ऊपर भी इसी चीज से गुणा करना पड़ेगा, रूट में थ्री माइनस वन। बात समझ में आ रही है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ये रूट में थ्री आपका दिया है। अभी आपको बताना, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, पिछले वाले क्वेश्चन की बात थी। ठीक है, करेंगे क्या, और ऊपर क्या है आपका दोनों चीज सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा कि रूट में थ्री माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक रूट में थ्री का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। कैसे हुआ, एक क्वेश्चन में ए माइनस ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है, और दोनों का गुणा है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या था आपका सेम था, इसलिए क्या होता है जब आधार बराबर होता है तो घातों को हम जोड़ देते हैं, जब कोई घात नहीं तो उसको हम एक मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, अब देखिए जरा यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस बी रूट में थ्री। ठीक है ना, a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका रूट में थ्री, करना कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप इसको तोड़िए, ये हो जाएगा आपका कितना तीन, और ये हो जाएगा प्लस एक, और ये हो जाएगा आपका माइनस टू रूट में थ्री। तोड़ के देखिएगा इसको, जैसे मैंने अभी आपका पिछला तोड़ा था। ठीक है,
देखिए यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, जब हम रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि रूट हट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप रूट में x अगर दिया है इसका आप स्क्वायर करेंगे बाहर x निकल के आता है, ठीक है, वैसे ही आप मैंने यहाँ पे किया है, और ये माइनस एक हो जाएगा बराबर a प्लस बी रूट में 3, क्योंकि क्या ऊपर हो जाएगा आपका 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2 रूट में 3 और बटा में क्या हुआ 2 हो गया, बटा में यहाँ पे घटेगा तो 2 आएगा ना, और बराबर क्या हुआ आपका a प्लस बी रूट में 3। एक स्टेप और जाइए, जरा एक स्टेप और जाएंगे ना, देखिए ऊपर क्या है, दोनों में आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना, दोनों में जब 2 कॉमन मिलेगा या फिर आप कह सकते हैं दोनों को जैसे हमने अलग किया था यहाँ भी अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब अलग करिएगा ना ये 4 बटा में 2 हो जाएगा माइनस 2 और ये रूट में 3 है बटा में 2 हो जाएगा और बराबर कितना होगा कि a प्लस बी रूट में 3, ठीक है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दुना के 4 कटेगा यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट में 3 बराबर a प्लस बी रूट में 3। यहाँ पे कोई तुलना हो रही है, यहाँ तो प्लस है यहाँ तो माइनस है, कोई तुलना है क्या, तो इस तुलना को बनाने के लिए करते हैं क्या, कुछ नहीं, इसको बनाएंगे जरा, इसको आप जब प्लस करिएगा ना तो इसको माइनस करना पड़ेगा माइनस रूट में 3, इसको माइनस रूट में 3 करना पड़ेगा, और जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर वही चीज आ जाएगी, वही चीज आएगी नहीं आएगी, तो जरा क्या हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा रूट में 3। जरा एक बात बताइए आप, इस रूट में 3 का जो गुणांक यहाँ पे b है और a का जो a का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, जो a है a की तुलना 2 से हो जाएगी, a बराबर 2 हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी गलती ये कर देंगे, ये b बराबर जो मान लेंगे रूट में 3 मान लेंगे और गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि रूट में 3 का गुणांक यहाँ b है और तब यहाँ रूट में 3 का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 जब मानेंगे तो जो b का मान आएगा वो माइनस 1 आएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, बात समझ आई ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था यहाँ पे कि आप लोग गलत ना करें कहीं, ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लेकर देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, बहुत ही मजे से करेंगे सारे प्रश्न और कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेसिक से, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो, चलिए और सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं बीजगणित से, ठीक है, देखिए चला यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जो है ना कह रहा है रूट में 5 बराबर क्या दिया है आपको 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट दिया है कितना, तो यहाँ पे 236, ठीक है, और कह रहा है ना आपका कि तो हो तो, ठीक है ना, हो तो मान आपका ज्ञात करना है किसका, तो यहाँ पे 3 माइनस रूट में 5 बटा में, ठीक है, 3 माइनस रूट में 5 बटा में 3 प्लस रूट में 5 का आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, का मान क्या होगा, तो जरा एक बात बताइए आप, अगर हम ये रूट में क्या है रूट में 5 का मान अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे क्या है रूट में 5 के जगह पे, तो क्या होगा हमारा जो कैलकुलेशन होगा काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस कैलकुलेशन को लेंदी से थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि वही संयुग्मी वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी कि 3 माइनस रूट में 5 बटा में 3 प्लस रूट में 5 करते क्या था, अभी तक हमने क्या किया था कि जो चिन्ह ये होता है ना इसके विपरीत चिन्ह से हम क्या करते हैं गुणा भाग कर देंगे, यानी जो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो इसका विपरीत चिन्ह होगा ना वो हो जाएगा आपका 3 माइनस, ठीक है ना, रूट में 5, बाकी चीजें वही रहेंगी आपकी, सिर्फ चिन्ह आप उसको क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, ठीक है, और जिस चीज से आपने गुणा किया है उसी चीज से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 5 है ना, यहाँ पे रूट में 5 कर लीजिएगा, ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे अब होगा क्या, पिछले क्वेश्चन की भांति क्या होगा ना, यहाँ पे दोनों आधार सेम है ना, तो क्या होगा इनके घातों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 3 माइनस रूट में 5 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और बटा में ये हो जाएगा एक कोष में a प्लस बी एक कोष में a माइनस बी, इसलिए 3 का स्क्वायर माइनस रूट में 5 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इसको, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़िएगा ना तो हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 2 गुणे 3 रूट में क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बटा में हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा स्क्वायर, और मैंने आपको पीछे बताया था जब भी रूट में क्या हो कोई संख्या हो उसका घात स्क्वायर हो वो संख्या निकल के आ जाती है बाहर, ठीक है, चलिए देखते जरा यहाँ पे ये हो जाएगा 9 5 कितना हो गया 14 हो गया माइनस 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा आपका क्या तो हो जाएगा 5, जरा एक बात बताइए ये हो जाएगा आपका 4,
ठीक है ना, चार हो गया ना। अगर आप ऊपर से कॉमन कर सकते हैं तो दो कॉमन कर लीजिए जरा, क्योंकि दोनों में दो कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा सात यहाँ पे, और माइनस तीन रूट में पांच हो जाएगा, और बटा में चार ऑलरेडी नीचे है, दो दुना के चार। बात समझ आई, दो दुना के चार कटा ना। अब यहाँ से क्या करिएगा कि रूट में फाइव का जो मान आपका दिया है आप वहां पे ला करके रख दीजिएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये सात माइनस तीन गुणे हो जाएगा आपका 2.236, तो बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, बटा में हो जाएगा आपका ये दो बचा है। ठीक है, जरा इसको अगर आप सोल्व करिएगा ना, ये सात तो ऐसे रहेगा, सात माइनस कितना है आपका तीन छह का अठारह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा तीन तिलिक के नौ, नौ एक दस हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा आपका, ये हो जाएगा छह एक सात दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा आपका छह। ठीक है, और बटा में कितना हो गया आपका दो। तो जरा एक बात कहिए, जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा आपका लगभग आपका आ जाना चाहिए, देखिए चलो इसको घटा लेते हैं हम। ठीक है ना, सात में से जरा इसको आप घटाइए, ठीक है, सात दशमलव जीरो 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 दिया गया ना, छह दशमलव सात जीरो आठ में जब घटाएंगे ये दस होगा, दो बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे नौ है, दो होगा यहाँ पे दो, यानी कि दशमलव 292 आएगा। यहाँ जब करिएगा दशमलव 292 बटा में हो जाएगा दो, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से आप कर दीजिए, जीरो दशमलव, यहाँ से दो एकम दो, दो चौके आठ, ठीक है ना, और दो छके बारह। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव 146। ठीक है, तो इस टाइप के इजी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे होते हैं। देखिए क्या है ना, ये जो मान रखने वाला क्वेश्चन होता है थोड़ा सा तो जाएगा ही जाएगा इतना लंबा। ठीक है, और इससे कोई शॉर्ट विधि इसका नहीं है जो कि आपके मान रखने पे आ जाए। देखिए क्या है दोस्तों कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको क्या है कि आपकी टाइम पीरियड को आपको बढ़ाना है, अगर आपको एग्जाम देना है, कंपटीशन चेस करना है, तो आपको अपने जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाना होगा, टाइम्स को कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो अगर आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्या था ये बेसिक सेशन था। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो जब अगले सेशन जब आएंगे कुछ अच्छे प्रश्न होंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।